हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट होने के कारण पूरा हफ्ते भर में, जैसे कि लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा था, हफ्ते भर में वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। फ्रेंड्स, मेरे को अंदर से बहुत खराब लग रहा था। बात है कि मैं हाथ को अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जिसमें वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स, अब बेटर हूँ मैं पहले से। तो आज के इस वीडियो में बात करता हूँ यूट्यूब के नए अपडेट के बारे में। जो यूट्यूब का थे लेटेस्ट अपडेट आया, बहुत कोई मेरा सिंपल टेक्निक का जो फेसबुक पेज में उससे पूछा गया है कि सर न्यू अपडेट को लेकर कुछ बताइए सर। तो न्यू अपडेट ये है आपका, पहला है आपका तो ज्वाइनशिप मेंबर्स, वो मेंबरशिप जो ज्वाइन करता है वो सबके लिए नहीं है। जो जो ज्वाइन के लिए रखा है फ्रेंड्स, वो बहुत सारे लोगों का इनेबल होने वाला है। सिर्फ एक महीने के लिए वो इनेबल होने वाला है फ्रेंड। दूसरा अपडेट है कमेंट्स को लेकर। फ्रेंड्स, कमेंट्स पहले की आप लोग देखते थे कमेंट्स किसी भी वीडियो में, आप जैसे कि मेरे वीडियो पे कमेंट्स पे जाइएगा, वहाँ पर ऊपर फिल्टर टाइप का कुछ रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो टॉप कमेंट्स और न्यूएस्ट कमेंट लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर ही अब यूट्यूब ऐड करने वाला है टाइम स्टैम्प। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप उस कमेंट में टाइम लिखिएगा तो आपको उस टाइम से वीडियो स्टार्ट होने लगेगा, तो उसमें टाइम स्टैम्प स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी आपका न्यू कमेंट्स में। और तीसरा अपडेट फ्रेंड्स आप लोग सामने ये है कि जैसे कि आप लोग वीडियो के नीचे देखते थे, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कॉन्टेंट देखते टाइटल के ऊपर देखते थे, हैशटैग कोई भी कीवर्ड्स आता था फ्रेंड्स हैशटैग लेके, वो अब आपके टाइटल के नीचे आएगा। वो जो हैशटैग कीवर्ड्स है वो आपके टाइटल के नीचे आएगा। ऐसे में होता था कि वीडियो और टाइटल नीचे देखने में बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, अच्छा नहीं लगता था। अब उसको क्या किया यूट्यूब ने, नीचे कर दिया, टाइटल के नीचे अब वो फिर आएगा। ये बहुत जल्दी ही अपला होने वाला है फ्रेंड्स। बस आज के लिए कुछ तीन नया अपडेट ऐसा ही था फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले अपडेट में लाया गया था, बताया गया था यूट्यूब की तरफ से कि आपका मोनेटाइजेशन वाला, अगर मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है फिर भी आपके चैनल पर एड्स चला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है संदीप महेश्वरी। आप लोग तो जानते ही होंगे संदीप महेश्वरी सर को। संदीप महेश्वरी सर एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, जो अच्छे खासे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, जिसने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, जिसमें उसको ऐड, वो चाहते हैं कि उसकी वीडियो पे एड्स ना चले। किस उसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस उसकी वीडियो देखते हैं उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स। ये जाहिर सा बात है कि आप कोई भी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, उसमें बीच में ऐड आ जाता है 15 सेकेंड का या कुछ देर का ऐड आ जाता है, तो उसमें उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होता है फ्रेंड्स। इसी कारण जो संदीप महेश्वरी चाहते हैं कि उसके वीडियो पर ऐड ना चले, वो इसलिए शुरू से उसके काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर, आप लोग जानते हैं काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर, फिर भी वो मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करके रखें, ताकि इसमें क्योंकि जो ऑडियंस वीडियो देखते हैं उससे उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो फ्रेंड्स। तो इसके कारण संदीप महेश्वरी सर वो मोनेटाइजेशन को ऑन होने नहीं देना चाहता। वे ट्विटर पर अपने ट्वीट भी किए थे कि वो इसके लिए यूट्यूब को बोलेंगे कि उसके चैनल पे ऐड ना दिया जाए, ये बहुत ही गलत है यूट्यूब का निर्णय, क्योंकि जो ऐड नहीं देना चाहते वो उसके चैनल पे ऐड नहीं दिया जाए फ्रेंड्स। तो बस संदीप महेश्वर सर का यही कहना था कि उसको ऐड पसंद नहीं है, उसको अपने वीडियो पे ऐड्स नहीं चलाना है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए वीडियो में यही कुछ लेटेस्ट अपडेट थे और संदीप महेश्वर सर का कुछ ये कहना था फ्रेंड्स। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।